हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब तो वीडियो के साथ साथ आप देख ही रहे होंगे मेरा जो फोटो है वीडियो लुक का आज आपने आगे देख लिया तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं आज ही बहुत कम प्रोडक्ट से पार्टी वेयर आई लुक करेंगे जो विंटर में और 2024 में 2024 में काफ़ी इन ट्रेंड होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ज़रूरी नहीं है कि आप ये अपने विंटर के लिए करें आप समर में या किसी भी सीजन में कर सकते हैं बस ये पार्टी लुक है और बहुत ही ईजी सबसे पहले यहाँ पे थिक क्रीम लेकर के मैं फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ थिक क्रीम इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली फेस को मॉइस्चराइज करेगा और ये नॉन ग्रीसी भी है साथ ही साथ आपको देख रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे मैट फिनिश फेस पे लुक है जो उसके वजह से उसके बाद हम आज कंसीलर से मेकअप करेंगे यहाँ हम कोई फाउंडेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने लिया है मेवलिंग फिटमी का कंसीलर बहुत ही अच्छा कंसीलर है बहुत ही लाइट बेस है जिनको बहुत ही हैवी बेस नहीं चाहिए उनके लिए ये लुक है आप एक बार ज़रूर ट्राई करें फाउंडेशन को स्कीप करके थोड़ा नेचुरल के मैं चाह मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितना है सब कुछ उसको हाइड ही करें कभी कभी आ, ऐसे भी जाना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल इज ओरिजिनल उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे फेस पे उतने ही आ, क्वांटिटी में प्रोडक्ट को कंसीलर को लेकर के मैंने लगाया है फिर मैंने पाउडर से यहाँ पे बहुत हल्का हल्का सेट किया है जहाँ रिक्वायर्ड है कि क्रीज हो सकती हैं देन मैं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट ये स्विस ब्यूटी का है इसी से हम लोग आज आईब्रो भी फिल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्राउज फ़िल कर लिया है ऐसे तो मेरी ब्राउज जो है वो बहुत अच्छी शेप में है टचूड और उसके साथ साथ मतलब अच्छी लेंथ में भी हैं लेकिन मेकअप के टाइम पे ब्राउज़ फ़िल करना बहुत इम्पॉटेंट है स्कीप नहीं करना है आपको इस पार्ट को क्योंकि प्रोडक्ट फेस पे लगने के बाद ब्राउज़ लाइट दिखने लगते हैं तो आप थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखेंगे ये देखिए दिखे, मैंने जादू से दोनों ब्राउज़ को कर लिया है मैं थोड़ा डार्कन करती हूँ इसको क्योंकि मेरे डार्क हो जाते हैं तो फेस पे मेकअप के बाद अच्छे दिखते हैं और मेरे यहाँ बाल बाल जो हैं बड़े अच्छे हो रखे हैं देन मैं ले रही हूँ नायका का आई पैलेट बहुत प्यारा सा पैलेट है ये उसके बाद यहाँ पे न्यूड ब्राउन लाइट शेड लेंगे और इसको पूरे लिड पे अप्लाई करेंगे डार्क ब्राउन से इसको सेट कर देंगे उसके बाद चेरी ब्राउन शेड लेकर के लाइनर अप्लाई करेंगे यहाँ आगे आप देख सकते हैं ये मैंने ब्राउन शेड लाइट वाला अपने पूरे ऑल ओवर लिड पे बेस दिया है इसको ट्रांजिशन शेड भी बनाएंगे यहाँ पर फिर मैंने डार्क ब्राउन शेड लेकर के पूरे लिड पर लगाया है और लोअर लैश लाइन पर और अपर लैश लाइन पर मैंने चेरी ब्राउन कलर का शेड लेकर के उससे एज अ लाइनर विंग्ड ड्रॉ किया है फिर मैं मस्कारा का टचअप दे रही हूँ मुझे स्काई हाई से ज़्यादा क्लासिकल पसंद है फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डॉल वाला इफेक्ट देंगे आई को और उसके लिए हम लोग सफ़ेद काजल लेंगे ये मेरा आई थिंक माई ग्लैम का या कुछ काजल है मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी मैं आपको लिंक दे दूँगी उसके बाद मैंने काजल लगाने के बाद थोड़ा सा लोअर लैश लाइन को और भी इन्हेंस किया है देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ नोज़ कंट्रोलिंग फेस कंट्रोल भी किया है मैंने नोज़ कंटूरिंग मैं प्रेफ़र करती हूँ अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये पार्ट स्कीप कर सकते हैं देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश और हमने बिना किसी फाउंडेशन के ये लुक किया है बहुत ही सिंपल सा उसके बाद हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि नेचुरली जितना भी फेस में जिसके ग्लो होता है वो नेचुरली आपको पता चल जाएगा कि कितना हाईलाइटेड करना है उसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे वही मेरी आजकल की जो मेरी करंट फेवरेट लिपस्टिक है वो है मद्रास कॉपी नायका की लिपस्टिक और मैं वही अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही सिंपल सा आप ये सूट पे भी मेकअप कर सकते हैं बहुत ही वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक पे ये लुक मेकअप जाने वाला है और ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है बहुत प्यारा सा न्यूट शेड है किसी भी आउटफिट पे जा सकता है एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को जब तक तो मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है पूरा लुक देखने से पहले आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए इन्जॉय करें बाय लव यू ऑल